Hi guys, वेलकम बैक टू my चैनल कैसे हो आप सब लोग तो आज की वीडियो में जो लुक क्रिएट किया है ना वो करवा चौथ के लिए है जो कि इंस्पायर्ड है हानिया आमिर से किस किसने मेरे हम सफर ड्रामा देखा है मेरा फेवरेट ड्रामा है वो पाकिस्तानी ड्रामा एंड आई लव लव द ड्रामा खत्म हो चुका है उसके सारे एपिसोड्स बाकी मुझे ये लुक बहुत अच्छा लगा है और मुझे उसकी लीड एक्ट्रेस हारिया अमिर बहुत ज़्यादा पसंद है किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताओ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल और आप आने वाले फेस्टिवल्स के लिए इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं जैसे चौथ और दिवाली बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे अभी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं अपने फेस पर लगाने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र क्योंकि अब विंटर भी शुरू हो रही है तो मेक श्योर करें कि आप अपनी स्किन को ड्राई ना रखें उसको अच्छे से हाइड्रेट रखें ठीक है फिर मैं अपनी फेस पे लगाने वाली हूँ स्ट्रोबिंग क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ मैक की स्ट्रोबिंग क्रीम इसका जो शेड नेम है वो है पिंक लाइट बहुत ही अच्छी ग्लो प्रोवाइड करती है ये क्रीम तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छी इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करे अब मैं यूज़ करने वाली हूँ लॉरियाल की ट्रू मैच फाउंडेशन और इसको पहले मैं फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी ठीक है फिंगर की हेल्प से प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है बट अगर आपको वो सीमलेस लुक चाहिए ना गाइज तो आप मेक श्योर करें कोई ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश यूज़ करें फॉर दैट एयर ब्रश एंड सीमलेस फिनिश तो नेक पे भी जरूर फाउंडेशन को लगाएं अदरवाइज आपका नेक और आपका फेस अलग अलग लगेगा तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर पे भी सेटिंग स्प्रे डाली है और अपने फेस पे भी डाल दिए इससे क्या होगा कि आपका जो मेकअप है ना अच्छा वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा और जब आप क्रीम प्रोडक्ट्स को अच्छे से ब्लेंड करते हैं ना तो आपका मेकअप अच्छा वैसे ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है तो मेक श्योर करें ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दें ओके तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये दो कंसीलर पहले मैं यूज़ करूँगी एले गर्ल का कंसीलर इसका जो शेड नेम है वो है नूट और इसका जो टेंट है ना टोन है सॉरी वो है पीच अंडरटोन तो ये कलर करेक्शन होएगी ना जो भी डॉक्स होगी और मैंने छोटा सा ब्यूटी स्पी है और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है जैसे कि नोज एरिया पे या अपने आई एरिया पे या अपने आई लिड एरिया पे छोटे ब्लेंडर आते हैं फिर मैं हाई करने के लिए यूज कर फोको फोको नहीं, फोटो फोकस कंसीलर इसका जो नेम है वो है मीडियम बेज तो ये लाइट है तो ये मेरे जो फेशियल फीचर्स है उनको और ज़रा स्टैंड आउट करेगा ज्यादा लाइट नहीं है बट लाइट है ठीक है तो ज्यादा लाइट करने से क्या होता है तो फिर ना ग्रे हो जाता है इसलिए मेक श्योर करें कि अपनी स्किन से दो शेड लाइटर आप यूज करें ज्यादा लाइट यूज ना करें तो अब मैं अपने फेस पर लगाने वाली हूं क्रीम ब्लश जो कि हकीको मिलानो का अपने फिंगर की हेल्प से ही लगाऊंगी और जो वॉर्म होती है ना आपकी फिंगर्स की उससे क्रीम प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से लग जाते हैं सो बेसिकली जो टेक्निक होती है ना आपकी मेकअप करने की उसी से आपका मेकअप ज़्यादा सुंदर लगता है ठीक है प्रोडक्ट से कभी मेकअप सुंदर नहीं लगता है टेक्निक से सुंदर लगता है हमेशा याद रखें प्रोडक्ट्स अगर आप अपने बजट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी के भी यूज़ करोगे ना बहुत अच्छा मेकअप आपका टर्नआउट होगा तो मेक श्योर sure करें कि टेक्निक और ब्लेंडेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबलिन का हाइलाइटर इसका जो शेड नेम है वो है नूट इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जाके चेक कर लेना और इसको मैं लगाने वाली हूँ एज अ बेस ठीक है फॉर माई पाउडर हाईलाइटर फिर मैं अच्छे से पहले फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लैंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लैंड करूँगी अब पूरे फेस को मैं सेट करने वाली हूँ यूजिंग किकैस पाउडर पहले मैं ब्यूटी ब्लैंडर और फिंगर की हेल्प से क्रीजेस को हटाऊंगी उसके बाद मैं पाउडर को प्लेस करूँगी अगर आप डायरेक्टली क्रीजेस को हटाए बिना पाउडर को प्लेस करेंगे तो क्रीजेस पे सेटल हो जाएगा पाउडर फिर आपके क्रीज़ लाइन बहुत आराम से विजिबल होंगे ठीक है तो मेक श्योर करें पहले हटा दें क्रीजेस को उसके बाद ब्लेंड करें और पूरे फ़ेस को सेट करूँगी यूजिंग आ, सेम पाउडर बहुत अच्छा पाउडर है ये और बहुत अच्छे से फेस को सेट भी करता है आप ब्यूटी स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं इनफैक्ट आप पाउडर पफ भी यूज़ कर सकते हैं टू प्रेस पाउडर ऑन योर फेस ठीक है मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश फिर मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ ब्रॉन्जर क्योंकि अगर आप हानिया का फेस देखें ना बहुत अच्छे से ब्रॉन्ज है कॉन्टोरिंग ज़्यादा नहीं किया उन्होंने फेस पे पर ब्रॉन्ज बहुत अच्छे से हैं बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पटेड लुक आ रही है तो मैं इस ब्यूटीफुल कलर को यूज़ करी जो कि रिमेल का है गाइस बहुत अफोर्डेबल है आपको अंडर फाइव हंड्रेड मिल जाएगा ये प्रोडक्ट और बहुत अच्छे से लग भी जाता है और बहुत अच्छा कलर है इसका और ये इंडियन स्किन पर बहुत अच्छा लगता है तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी अपने फेस पर अब थोड़ा सा मैसी लग रहा था ब्रॉन्जर तो मैंने क्या किया है क्लीन लुक के लिए मैंने सेम जो ब्रश नहीं जो सेम पाउडर मैंने यूज़ किया था ना उसी से मैं काव आउट करूंगी अपने चीक्स को मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये ब्लश और ये बहुत ब्यूटीफुल सैटिनी फिनिश देता है कोरल पिंक कलर है जो कि बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे स्किन टोन पर और बहुत अफोर्डेबल भी है ये फिर मैं क्या करूँगी जो मैंने पाउडर लगाया था ना उसको थोड़ा सा हल्का सा हटा दूंगी बफ आउट कर दूंगी फिर मैं अपने फेस पर लगाने वाली हूँ बहुत ही सटल हाइलाइटर जो कि एसेंस का है प्योर न्यूड हाइलाइटर बहुत गॉर्जियस हाइलाइटर है और बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है ये ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है बट अगर आप यू में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं तो आप इस हाईलाइटर को ट्राई कर सकते हैं फिर मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से टैप टैप कर दूँगी सो दैट की एक बहुत अच्छी एयरब्रश फिनिश आए चलो आईब्रोज फिल कर लेते हैं क्योंकि बेस मेकअप मेरा ऑलमोस्ट क्या पूरा ही डन है आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रिमेल की ये आईब्रो किट इसमें से डार्क ब्राउन शेड को यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज़ के लिए आप कोई भी अपने आई शेडो पैलेट से डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर सकते हैं आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है मेक श्योर करें आपके हेयर से मैच करता हुआ कलर ही हो ज़्यादा डार्क सॉरी ब्लैक कलर ना यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक देता है अपने अंडर आई एरिया पर मैं लूज़ पाउडर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो भी फॉल आउट हो उससे मैं अपना खराब नहीं करना चाहती इसलिए जब भी आप बिगनर हो तो मेक श्योर करें ये स्टेप जरूर करें अब मैंने ये Maybelline का पैलेट लिया इसमें से इस ब्यूटीफुल शेड को मैं यूज करने वाली हूं अपने पूरे आईलिड एरिया पर और कोई भी कलर नहीं लगाया है मैंने फ्लफी ब्रश पे और बस डिफ्यूज कर रही हूं एजिस को अब मैं यूज करने वाली हूँ लाइट ब्राउन शेड सेम पैलेट से और अच्छे से मैं बफ you आउट know, करूंगी अपने क्रीज पे अब मैं इस कलर को यूज करने वाली हूँ ये वाला कलर और इसको मैं लगाने वाली हूँ पूरे आईलिड एरिया पे गाइस तो पहले मैंने मैं मैट शेड यूज किया अपने आईलिड एरिया पे ठीक है उसके बाद मैं यूज़ करी हूँ शिमर आई शेडो ऑन टॉप ऑफ माई मैट आई शेडो क्योंकि अगर आप उनकी आईज देखें ना ऐसा ही इफेक्ट उनकी आईज पे है और ये कलर ना सब पे बहुत सुंदर लगता है चाहे वो डीपर स्किन हो चाहे वो लाइट स्किन हो ये जो आई लुक है गाइज ये बहुत ही वर्सिटाइल है तो आप कोई भी लिपस्टिक इसके साथ पेयर कर सकते हैं क्योंकि ये ब्राउन टोन का कलर है अब थोड़ा सा आई लाइडर इफेक्ट के लिए मैं डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ पहले मैं लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी क्योंकि उनकी लोअर लैश लाइन भी थोड़ी सी स्मोकी है ज़्यादा उन्होंने काजल वाजल कुछ नहीं लगाया है और अच्छे से डिफ्यूज़ करूंगी और मेक श्योर करें अपने लोअर लैश लाइन पे जरूर आप आई शेडो यूज़ करें अगर आप काजल नहीं यूज़ करना चाहते हैं स्किप कर लो बट आई शेडो ज़रूर यूज़ करो अब मैं जो भी पाउडर था ना उसको रिमूव कर दूंगी अब मैं इस कलर को यूज़ करने वाली जो कि लाइट शेड है एज अ लाइक ब्रोबोन शेड और अपने इनर कॉर्नर्स पर भी इस कलर को लगाऊंगी इससे आपकी जो आई लुक होती है ना गाइस वो बैलेंस हो जाती है एक प्रॉपर मतलब लुक बहुत सुंदर लगता है जब लाइट पड़ती है ना आपके आईब्रोज़ पर बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट क्रिएट होता है ठीक है अब मैंने सेम वही डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया जो कि मैंने लोअर लैश लाइन पर लगाया था इससे मैं एक छोटू सा यू नो स्मोकी विंग विंग तो नहीं स्मोकी लाइनर क्रिएट करूँगी एंड इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस आप देख सकते हैं और फिर मैंने आई लगाई हैं और आई लगाने से पहले मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा सो so दैट की आई लैशेज़ को एक बेस मिल जाए अच्छे से और मैं यूज़ कर रही हूँ आई जो कि मैंने बाय की है शायद शी इन से या अमेजोन से बहुत ही ब्यूटीफुल विस्पीज हैं ये और बहुत नेचुरल लगती हैं और आई लगाना टोटली अगेन मैं बोलूँगी ज़रूरी नहीं है आपकी चॉइस अगर आप लगाना चाहते हैं लगाएं लिपस्टिक के लिए आई नो मैंने रेड कलर यूज़ नहीं किया है मेरी फॉल्ट है ये आ, पता नहीं गलती हो गई मेरे से मैंने क्यों रेड यूज़ नहीं किया आई डोंट नो मैंने ना ऑरेंजिश कलर यूज़ कर लिया और पता नहीं आई डोंट नो बट स्टिल ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है सो so, या yeah, ये बहुत ही सुंदर मेकअप लुक क्रिएट हुआ है एंड लुक हाउ माई बेस्ड लुक्स इट लुक सो गॉर्जियस बहुत सटल बहुत मिनिमलिस्टिक लुक है बट बहुत ज़्यादा सल्ट्री लुक है गाइज तो आप पिंक कलर भी पेयर कर सकते हैं इस तरीके की आई लुक के साथ और आने वाले करवा चौथ पर जरूर इस लुक को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस लुक है ये एंड या yeah, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई सी में नेक्स्ट वन एंड मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना ठीक है एंड चलो मिलती हूँ आपकी दूसरी वीडियो में बाय टेक केयर लव यू